Standard 8. My dear students, in this video we are going to continue our first lesson of maths. In the last video I have explained to you how to compare two rational numbers. अलग अलग method मैंने आपको बताई थी, उसमें से सबसे जो faster जो method है वो भी बताई, cross multiplication के तरीके से जो करते हैं, that is the easiest method of comparing two fractions or two rational numbers. तो उसका एक्सरसाइज हमारा रह गया था. ऑल ऑफ यू हैड डन योर ओन सम्स. कुछ उसमें से राइट था, कुछ रॉन्ग था. सो लेट अस डू दैट एक्सरसाइज हियर. ओके, हमारा ये एक्सरसाइज का हेडिंग है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स. और फर्स्ट क्वेश्चन, -7 और -2, ये दो नंबर को हमें कंपेयर करना है. बहुत ही आसान है क्योंकि नेगेटिव साइन दोनों में है और डिनोमिनेटर की तो बात होती नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर दिया हुआ ही नहीं है. हमें पता है डिनोमिनेटर नहीं दिया तो 1 होता है डिनोमिनेटर, लेकिन हमें वो भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर. तो -7 और -2 में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा? नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा जो दिखता है वो सबसे छोटा होता है. यानी जैसे जैसे नेगेटिव नंबर में जो नंबर बढ़ते बढ़ते, हम नॉर्मली मतलब 7 में से 8 जाएंगे, -7 -8 एग्जाम्पल अगर लेंगे तो -7 बड़ा होता है, -8 छोटा होता है. और भी आगे जाएंगे नेगेटिव, आगे नहीं बोल सकते हम, पीछे. और भी अगर पीछे जाएंगे -9 में आ जाएगा तो और भी वो छोटा हो गया. तो वैसा जो नेगेटिव नंबर है उसमें छोटा रियल में बड़ा होता है. तो इसका आंसर मैं यहाँ पर ही राइट साइड में कर रही हूँ. -7 लिखे और -2 लिखी, बीच में थोड़ा सा गैप दिया. इसमें से ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है. तो छोटे के साइड में हमारा सिंबल ऐसा बंद रहता है और बड़े के साइड में ओपन. सो ये बन गया -7 इज लेस देन -2. इतना ही था ये आंसर. तो वी कुड डू इट डायरेक्टली, वो हम डायरेक्टली कर पाए. नाउ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 एंड -9/5. एंड वी नो दैट 0 इज बिगर देन ऑल द नेगेटिव नंबर्स. पूरे नेगेटिव नंबर में से सबसे बड़ा, मतलब ये सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है 0. तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 0 इज ग्रेटर देन -9/5. ओके, अब वापस से एक और क्वेश्चन, सिंबल है ये भी. 8/7 है जो पॉजिटिव है और 0 है. तो इतना ये चीज हमें याद रखना है हमेशा कि सभी नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है और इसी तरह सभी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है. सभी नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, सभी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है. तो मैं यहाँ पर उसके लिए आपको ऐसा लिख के दे रही हूँ. ये समझो, ये नेगेटिव नंबर है, वो छोटा है 0 बीच में, और वो 0 से बड़ा कौन है? पॉजिटिव नंबर. नेगेटिव इज स्मॉलर देन 0 इज स्मॉलर देन p. इसका मतलब 0 है, उसको साइन नहीं है, उससे छोटा नेगेटिव है, 0 से बड़ा पॉजिटिव है. ओके, तो ये आंसर भी हम आसानी से डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि 0 और एक पॉजिटिव नंबर है, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा. 8/7 बड़ा है और 0 छोटा है, दैट इज 8/7 इज ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है -5/4 और 1/4. यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर. नेगेटिव और पॉजिटिव का कंपैरिजन करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव इज बिगर देन नेगेटिव. सो -5/4 नेगेटिव है तो वो जरूर छोटा रहेगा, 1/4 पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले से बड़ा रहेगा. तो वो भी आंसर डायरेक्ट हमें मिला. ओके, आई एम पुटिंग द आंसर इन अ बॉक्स सो दैट इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड. आप सब आसानी से उसे पहचान लें. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन 40/29 एंड 141/29, these two numbers are given. The denominators are same, both are positive, so we have to see whether the first one is big or the second one is big. वो हमें चेक करना पड़ेगा. तो 40/29 और 141/29 both the denominators are same. दोनों fraction का denominator same है. So if the denominators are same, you just look into the numerator. The fraction with the rational number with bigger numerator will be bigger. जो रेशनल नंबर है जिसमें सबसे दोनों में से बड़ा न्यूमरेटर होता है वो रेशनल नंबर बड़ा है. तो हमें इसमें थोड़ा सा स्टेप करना पड़ेगा. आंसर में यहाँ पे इस तरह स्टार्ट किया, 40 और 141 जो न्यूमरेटर्स है जो अलग अलग, उसको रखा. ये कभी करते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो. और इसका कंपेरिजन मैं कर रही हूँ 40 स्मॉल और 141
ग्रेटर, 40 इज स्मॉलर देन 141। तो ऐसा है तो नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर डाली, ये 40 के नीचे 29 जो हमारा क्वेश्चन है, सेम साइन डालो यहाँ पर 141 के भी नीचे 29। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ दिस टू। तो ये एक स्टेप आपको लिखना है, उसके बाद ये लिखना, ओके दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है -17/20 और -13/20। अगर ये नेगेटिव साइन नीचे होता तो हमें ऊपर करना है, यहाँ पर तो नेगेटिव साइन एकदम मिडिल में है और इधर नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में, मिडिल और न्यूमरेटर में चलेगा नेगेटिव साइन, हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम मानकर चलेंगे ये न्यूमरेटर में है, ओके कभी भी नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर में मत मानो। तो ये दो नंबर हमें दिया हुआ है, दोनों नेगेटिव नंबर से दो, और मेन बात तो ये है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सिर्फ कंपेयर करना है न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर का कंपैरिजन हम करते हैं, पहले -17 आपके पास है और -13 आपके पास है, इन दोनों में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली -13 बड़ा है क्योंकि नेगेटिव में छोटा वाला रियल में बड़ा होता है, तो 13 बड़ा, इस तरह साइन दिया। और उसके बाद देयरफॉर डाले -17 के नीचे 20 डाल दिया, सेम साइन यहाँ पर -13 के नीचे भी 20। इस तरह इसका भी कंपैरिजन आसानी से हो गया। ओके समझ में आ रहे हैं ना? चलो इसको भी एक बॉक्स में डाल दे। नाउ द नेक्स्ट नंबर, चलो बच्चों हम 7 सम इधर ये साइड में करते हैं। 15/12 है हमारे पास और 7/16 है। ओके यहाँ पर दोनों पॉजिटिव नंबर से, तो देखना पड़ेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, डिनोमिनेटर चेक करो सेम है तो बात हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें वो मेथड मत एक्सेप्ट करो अभी, अपना वो जो जिसमें हम एलसीएम वगैरह देख के करते हैं वो मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो बेटर है हमारा लास्ट जो मेथड है कुछ रूल्स दिए थे वो वाला मेथड करो, यानी यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा। तो क्या करने वाली मैं, इसके फर्स्ट फ्रैक्शन के ऊपर से शुरू नीचे जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे से शुरू ऊपर जाएंगे, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। याद रखना ये ही पहला करना है, ये बाद में करना है, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो 15 यहाँ से क्रॉस 16, 15 को करना है हमें पहले, इन दोनों को इंटू करने पे हमें मिलेगा 240, मल्टीप्लाई करना है, इधर करके दिखा सकती हूँ मैं, ठीक है चलो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसका, हार्डली एक वन मिनट लगेगा। 15 × 16, 6 × 5 = 33, 6 × 1 = 6 और 3 = 9, इधर 0, 1 × 5 = 5, 1 × 1 = 1 और 0, ये प्लस करने पे 14, 1 कैरी और 2, ओके 240। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 240, अभी इससे नीचे से ऊपर 12 × 7, 12 × 7 = 84, ओके ये भी मल्टीप्लीकेशन हो गया, 12 × 7 = 84। अब हमें कंपेयर करना है इन दोनों को, जो आंसर्स है उसको कंपेयर करो, 240 पहले मिला, 84 बाद में मिला, ये बड़ा है, ओके तो इसके बाद हमें क्या करनी है, 240 मतलब क्या बन, क्या मिलके बना, 15 × 16 मिलके बना, यही सेम साइन डालो, 84 क्या मिलके मिला, 12 × 7, ओके ये भी हुआ, इसका मतलब होता है कि ऊपर से नीचे, यानी फर्स्ट ट्राई करने पर हमें बड़ा मिला, सेकेंड में छोटा मिला, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला फ्रैक्शन लिखो, वही सेम साइन डालो, सेकंड वाला फ्रैक्शन लिखो। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि प्लीज फॉलो दिस मेथड टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस, फाइंड आउट विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। ओके अभी 8th वाला सम देखो, ये भी ऑलमोस्ट वही हुआ, -25/8 और -9/4, यहाँ पर भी दोनों नेगेटिव है मतलब दोनों का साइन सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करना जो नेगेटिव साइन है न्यूमरेटर में है कि नहीं है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर यहाँ पे स्टार्ट होता है, समझो यहाँ से ऊपर से नीचे -25 × 4, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 25 × 4 = 100, ये 100 मिला। अभी इनको करना है 8 × −9, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 8 × 9 = 72। अभी ये दोनों आंसर को उठा के लिखते हैं, पहले मिला हमें -100 और दूसरा मिला -72, इनमें से कौन बड़ा है, -100 छोटा है, -72 बड़ा है। तो ये -100 हमें क्या करने पे मिला है, -25 × 4 करने पे मिला, तो सेम साइन डाल देना लेस देन,
और माइनस 72 मिला है हमें 8 इंटू माइनस 9 करने पे. ओके, नेगेटिव साइन को, साइन वाला नंबर को चाहे आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट डाल सकते हो. ओके, टू सिक्योर दे ऐसा ब्रैकेट डाल सकते हो या फिर नहीं भी डालेंगे चलेगा. तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वल है यानी सॉरी ये लेस देन है ये ग्रेटर देन है, तो पहला वाला फ्रैक्शन लेस है दूसरे वाला फ्रैक्शन ग्रेटर है. तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 25 अपॉन 8 पहला वाला फ्रैक्शन छोटा है और माइनस 9 अपॉन 4 बड़ा है. तो ये था हमारा फाइनल आंसर. तो लेट अस मेक इट मेक अ बॉक्स अराउंड इट. तो हमारा 8 सम तक हो गया, अभी दो सम और हमारा बाकी है. 9th सम 12 upon 15 और 3 upon 5. 12 upon 15, 3 upon 5, both the numbers are positive, same sign. So check which one is bigger and which one is smaller. Denominators are different. So what we can do? We can do the LCM and change the denominator. Otherwise, we can directly cross multiply and find out which is bigger and which is smaller. So I'll go with the cross multiplication method. 12 into 5, first one. 12 into 5. By mistakely, if you take 15 into 3 first, then your answer will be wrong. Okay, please note that you should take the numerator of the first fraction first. 12 into 5. 12 5s are 16. The next one is 15 into 3. 15 3s are 45. Now it is clear that 60 is greater than 45. That means what, 50 instead of 50 we can write 12 into 5 is greater than. Instead of 45, we write 15 into 3. Okay. Therefore, the first fraction is greater than the second fraction. What is the first fraction? 12 by 15 is greater than 3 by 5. This is how the sum is done. Okay. Now, let us do the last 10th sum of this exercise. Question is minus 7 by 11 and the other one minus 3 by 4. Here both the numbers are negative. Okay. Denominators are different. So we'll select the method of cross multiplication. But before doing the cross multiplication, just make it sure that the negative sign is in the numerator. Start karne se pehle, cross multiplication start karne se pehle, ye check kar lene ka, check karna hai ki जो माइनस साइन है नेगेटिव साइन है न्यूमरेटर में होना चाहिए, नहीं डिनोमिनेटर में नहीं. इफ इट इज इन द डिनोमिनेटर बेटर यू मेक चेंज इट इनटू न्यूमरेटर. अगर डिनोमिनेटर में हो गया है ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप क्या करो उसको न्यूमरेटर में डालो. वो भी आपको मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया है, नीचे जो है डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव साइन है उसको न्यूमरेटर में किस तरह किया जाता है. सो ये इसका आंसर हम स्टार्ट कर लेते हैं. माइनस 7 by 11 और माइनस 3 by 4 यहां से क्रॉस करेंगे. माइनस 7 नेगेटिव साइन, इसलिए मैंने एक ब्रैकेट डाल दिया, इनटू 4. नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 7 4s are 28. इफ यू वांट यू कैन पुट अ ब्रैकेट यू आल्सो. द नेक्स्ट वन इज 11 into -3 इक्वल्स पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 11 3s are 33. आप में से कुछ लोगों ने माइनस साइन डाला ही नहीं है तो वैसा करेंगे तो आपका स्टेप्स जरूर रॉन्ग होगा पर आंसर राइट भी मिलेगा. कौन सा बड़ा कौन सा छोटा आप लिख लेंगे पर स्टेप्स तो रॉन्ग हो गए ना. तो कुछ लोगों का स्टेप्स भी रॉन्ग है फाइनल आंसर भी रॉन्ग है, तो कुछ लोगों का स्टेप्स रॉन्ग है फाइनल आंसर राइट है. ऐसा कभी होता नहीं है स्टेप्स रॉन्ग फाइनल आंसर राइट. सो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे नेगेटिव 28 है, यहाँ पर नेगेटिव 33 है. ये दोनों आंसर्स को अभी हम कंपेयर करते हैं. नेगेटिव 28 यहाँ पे आपके पास है और नेगेटिव 33 यहाँ पर आपके पास है. ओके, तो इनमें से ब्रैकेट डाल देते हैं. इनमें से ये बड़ा है क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा होता है बड़ा होता है रियल में, तो बड़े का साइन डाला. इसका मतलब ये कौन हो गया, माइनस 7 into 4 वाला बड़ा है, 11 into -3 वाला छोटा है. माइनस वाले को ब्रैकेट इधर भी डाल दिया. ओके, नाउ ये पहला मल्टीप्लीकेशन बड़ा है यानी पहला फ्रैक्शन बड़ा है. माइनस 7 upon 11 इज ग्रेटर देन -3 upon 4. This is the final answer. Okay. So, बच्चों ये वीडियो में बस इतना ही. और आप लोगों को ये वीडियो इसमें बताया हुआ सम सब समझ गए होंगे ऐसा उम्मीद करते हुए अगले वीडियो के लिए हम इंतजार करेंगे. ठीक है, और ये पूरे सम्स आपको लिख कर लेना है. इफ एनी डाउट
you have, please ask me without any hesitation. And please give me feedback. Your feedbacks and your suggestions are very valuable for me. Okay. Thank you for watching the video. Bye-bye.